गाइस लाइट मैन आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगिंग चैनल दिस साइड सुप्रीति। आप सभी का स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो में। आज का व्लॉग तो मजेदार होने वाला ही है, क्योंकि आज के दिन के लिए हम काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। आज क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, आज जिनका दिन है उन्हीं से सुन लो आप लोग। आज क्या है मम्मी पापा? आज क्या है, 25 साल पहले तुम्हारा मामी को मैंने विवाह किया था। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज मम्मी पापा का 25th एनिवर्सरी है, वी ऑल्सो कॉल इट सिल्वर जुबली ऑब्वियसली। तो एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने, जो कि रीना आंटी के घर पे होने वाला है। तो अभी कुछ 1 बज रहे होंगे दोपहर के, अभी हम लोग नहा वहा कर रीना आंटी के घर पे ही जाने वाले है, वहीं पे करेंगे हम लोग हमारा लंच, क्योंकि उनके वहाँ पे ही सब कुछ होगा, पार्टी वगैरह जो भी होना है, और बाकी गेस्ट भी आएंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे जाकर मिलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कुछ भी नहीं है, थोड़े डेकोरेशन के सामान आते, लाइट वगैरह थे, वहाँ जाके कभी अपने को ही करना पड़ता ना जैसा, तो चलो जो भी है। और हम लोग अभी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे डेकोरेटर के चेयर्स रखे हुए हैं पूरे, और सुब्रो यहाँ पे ऑलरेडी चला गया है, तो चलो चलते हैं। बाकी सब भी आ चुके हैं, सबके हाथ में से सामान है, इसमें सारी चीजें है डेकोरेशन के। चलो अभी ऊपर चलते हैं, बहुत काम है आज। हम लोग अभी रीना आंटी के घर में आकर बैठ चुके हैं और यहाँ पे टेबल में देखो फ्लावर वास के साथ फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। ये एक्चुअली ऊपर लेकर जाना है, फिलहाल के लिए यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पे छत अच्छी तरीके से धोया जा रहा है और यहाँ पे टेंट वगैरह भी अभी थोड़ी देर पहले लगा कर गए ताकि धूप ना आए, बहुत ही ज़्यादा धूप था, क्योंकि यहाँ पर इनकी बातचीत हो रही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है पहले कूलर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से डेकोरेशन या जो भी काम है वो सब करेंगे। चेयर्स वगैरह भी नीचे से ऊपर ला कर रखा गया है अभी, और सजा भी दिया है हमने अभी से, अभी डेकोरेशन करना शुरू कर रहे हैं हम। एक्चुअली हमने सोचा था कि जल्दी आकर जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके रख देंगे, पर एक्चुअली हुआ क्या, आकर हमने मेहंदी मांडने में लग गए थे हम, तो इसलिए बस अभी कर रहे हैं। बाकी ये लोग अभी सब अपने अपने काम में बिजी है, सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, सब मिलके काम करेंगे तो जल्दी होगा, है ना, तो बस अभी सब वही कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके हम इस काम को ख़त्म करेंगे पहले। अभी कुछ 2:30 बज रहे होंगे और अभी तक हमने लंच नहीं किया है, ऐसे ही होता है गाइस, घर पे कुछ होता है ना तो एक्साइटमेंट से ही भूख नहीं लगती है, और फिलहाल हम अभी थोड़ी देर बाद ही करेंगे लंच। Years later. 5:40 हो रहे हाँ। तो अभी हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, ऊपर हम बहुत ही ज्यादा थक गए, पूछो मत, दीदी की तो हालत ही देखो ना, शक्ल से ही लग रहा है बहुत ज्यादा। अभी सब लोगों के फेसेस ऐसे एकदम डाउन है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। अभी वापस से घर में जाएंगे, रेडी होंगे, फिर उसके बाद आएंगे, और यहाँ पे ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो फूल लेके आना, ये बाल बांधने के लिए लेके आए, मतलब सब बन में डालने का कुछ ये लोग प्लान बना रहे, पता नहीं। और यहाँ पे जिंदगी से परेशान, गिर जाओ, बार बार गिर जा रही यहाँ पे, मैंने सोफे के एजी पे बैठा है ऐसे, इसलिए मैं बार बार यहाँ से डिसबैलेंस होके गिर रही हूँ। और ये मैंने सजाया है ऑलरेडी, वेरी नाइस, फ्लावर क्लैप्स फॉर यू। हम लोग अभी हमारे घर पे जा रहे हैं रेडी होने, मैं और मम्मी, बाकी भाई और पापा यहीं पे है, तो हम लोग अभी चल रहे हैं। और मम्मी आपके हाथ में क्या है? फ्लावर इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये उनको एक्चुअली ऐसा हेयर स्टाइल करके बन बना के उसमें डालना है, बुला रहे हैं ऊपर से आंटी। घर जा रहे हैं और घर की चाबी लेना ही भूल गए, ग्रेट, तो चलो चलते हैं, फटाक से जाते हैं, फटाक से रेडी होते हैं, फटाक से आते हैं। मैं और मम्मी अभी घर पे आकर रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे हालत देखो यार, ये क्या है गाइस, इतना मेस्ड अप होकर रख दिया है हमने, बस यूज कर रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही फैला कर रख दे रहे हैं, ये बाद में आकर जमा कर रखेंगे जो भी हो, अभी जल्दी में है, तो अभी यहाँ पे चाची जी मम्मी को रेडी कर रहे हैं अच्छे से। और कितना टाइम लगता है? बस 2 मिनट, मैं पिछले आधे घंटे से सुन रही हूँ, बस 2 मिनट, अभी वो 2 मिनट नहीं आया है। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, सबने ब्लैक
पहना है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं सब लोग। सुप्रियो, पापा और मम्मी अभी भी रेडी हो रहे हैं, उनका हम तीनों पहले ही हो गए। तो अभी बस अभी आज का थीम पूरा हमारा ब्लैक किया गया, एकदम सब लोग ब्लैक, जबरदस्त लगेगा, सब लोग एक साथ मस्त एक जैसे दिखेंगे। तो अभी बस वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग रीना आंटी के घर में वापस से, तो चलो बिना देरी के चलते हैं। तो एंट्री मार लिया दूल्हा दुल्हन, क्या बात है, तालियां। रीना आंटी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल दे रहे थे मम्मी पापा पर बरसाने के लिए, पर जैसे ही थोड़े से फूल कम पड़े उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ से तोड़ लो। तो हम वही कर रहे थे, रीका को देखो डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर प्लेट में सजा कर रख रही है वो, तो एकदम फनी वाला मोमेंट बन गया था। जुगाड़ करना तो कोई हमसे सीखे। जैसे ही मम्मी पापा ने एंट्री मारी सभी लोग यहाँ पे गेट के पास आकर कलेक्ट हो गए है, जो भी रिचुअल्स वगैरह है वो सब कर रहे थे एक एक करके, और हम तो बस मजे ले रहे थे। अभी भी एक एक करके नीचे से सब आ रहे है ऊपर। हमारे प्यारे रीना आंटी मेन रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, वो आरती वगैरह उतार कर टीका विका लगा रहे थे मम्मी और पापा को, और मम्मी को देखो कैसे मस्ती कर रहे थे रीना आंटी के साथ। इनकी दोस्ती बस ऐसे ही सलामत रहे और हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहे ये लोग। सभी रिचुअल्स वगैरह एक के बाद एक कंप्लीट होने के बाद अभी आया है मेन रिचुअल्स। रीना आंटी को देखो पैसे मांग रहे हैं पापा जी से, तो अभी यही चल रहा है इनके बीच में बहस। और फिर बहुत ही देर तक बहस करने के बाद उसके बाद पापा जी तैयार हो जाते हैं पैसे देने के लिए, और फिर उसके बाद फाइनली एंट्री मिल जाती है ये लोगों को। ये जो खूबसूरत सा डेकोरेशन देख रहे हो आप लोग, ये हम लोगों की मेहनत है जो हम लोग दोपहर से कर रहे थे, और ये सिंपल इसलिए क्योंकि हम काम से ज्यादा बकवास कर रहे थे। और ये सुनने के बाद शिवांगी दी प्लीज पीटना मत मुझे। सुप्रियो को देखो सबके कॉल अटेंड करने में बिजी था, और वो कोने में इसलिए गया है क्योंकि स्पीकर चल रहे थे तो सुनाई ना देगा फोन में बात करेंगे तो। हमारे किंग में डोरा केक रखा हुआ है इधर, गोल्डन ओरियो भी बोल सकते हैं। What? मम्मी जी मजाक करते हुए रीना आंटी को पहना रहे थे माला। रीना आंटी ने कहा वहाँ है आपका ग्रूम। केक कट करने के बाद यहाँ पर गिफ्ट देने का पार्ट शुरू होता है, सब एक के बाद एक आकर गिफ्ट दे रहे थे मम्मी और पापा को। He is already tired. It hasn't even started. मम्मी और पापा दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है आज के दिन, इतना सब मेहनत तो उनके खुशी के लिए ही था, और बाकी 25,000 साल तक ऐसे ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे वो लोग, ऐसे ही हमेशा साथ में खुश रहे। अभी ऑलमोस्ट एक एक करके फ्रेंड्स आ रहे हैं, बाकी के जो भी है आप लोगों से मिलवाती हूँ मैं। ऑलमोस्ट जो टाइम पे हम लोगों ने सोचा था उससे थोड़ा लेट ही हो गया है, बट ठीक है चलो इट्स ओके, एडजस्ट करना पड़ेगा राइट। मुझे कॉल किया था उन लोगों ने। और यहाँ पर हम डांस करते करते हमने सोचा कि क्यों ना मम्मी और पापा जी से भी डांस करवाया जाए, तो देरी किस लिए, फिर चलो शुरू करते हैं। तू ही दिल की दस्तक,
जब दिखता है यारा मैं क्या करूं सा हसी कायनात में नहीं है कहीं कभी ना कहना कोई कहानी देखो दिलकश है दिलदार नजारे हैं जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं हर जानम बस दीवान की दीवान की दीवान की ऑन हार्ट का कुछ हैंड्स अपन से इश्क में दिल बना है इश्क में दिल फोड़ के रंग फोड़ के दिल मैं समझ मनीष यहाँ पे पानी बेच रहा एक बॉटल कितना रुक जाए मार भी देखता हूँ अन्ना साहब तुम्हारा पूरा बिका दे रहा हूँ मैं ठीक है जल्दी जल्दी हा? पूरा कमीशन तुम्हारा अरे अभी ले लिया अभी ले लिया जल्दी देखो भाई शायद से 7 रुपए होगा लेकिन हम 10 रुपए में बेचना दिस इज बिजनेस गाइस लाइट मैन आ गया इधर जवान 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 शॉर्ट सर्किट हुआ पूरे बाल उठ जाते पूरे को लेकर मारता हूं मतलब सबके साथ टच कर देता ऑलरेडी टच ही है अरे पानी दियो 10 का है चोरी हो रहा मोरे अबे 10 का है हाँ 10 का 10 का 10 रुपए दियो बेबी सिटिंग चल रही है प्रीति अंदर ही अंदर से सोच रही है एक बाइट काश मेरे मुंह तक आ जाए ये ना लागी ने रिया और रिका को बहुत तेज भूख लग गई थी इसलिए पहले प्लेट लेकर बैठ गए यहाँ पर और मुझे ऐसे दिखा दिखा के खा रहे हैं ना मुझे ऐसा मन कर रहा था कि प्लेट छीन लूँ इनके हाथ से पर हमने सोचा था कि बाद में ही खाएंगे हम सबके लास्ट में तब तक हम बॉटल फ्लिप खेल रहे थे सुप्रियो यहाँ पर मेहमान नवाजी करने में लगा हुआ है वो बेचारा सुबह से ही आज बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है हो गया खाना हाँ हो गया और यहाँ पर सबके खाने के बाद मैं पापा जी सुप्रियो और मनीष और एक दो जने यहाँ पे लास्ट में खा रहे हैं सबसे बिल्कुल लैंडिंग में हमारे से ही एंड होगा आज का डिनर फिलहाल अभी खाने पे कंसंट्रेट करते हैं ये देखो गाइस कैमरामैन ने क्या नहीं कहा तो हम लोग अभी पूरी तरह से थक चुके हैं हमारी हालत बहुत खराब है दीदी का फेस देख कर ही देख सकते हो आप लोग अरे हम फिर रिया पता नहीं क्या कर रही है जय श्री राम हम लोग अभी खाना वाना खा के अभी बैठे हैं चेयर पर बाकी सब भी है डिस्कशन चल रहा है हम पे कुछ इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा अभी क्या करोगे दीदी आप रुमाल नहीं मिला मिल गया मुझे भी सोना है अभी क्या टाइम हो रहा है अभी 1:35 ऐसा हो रहा है हाँ सब कुछ होते होते केक कटिंग डांस वगैरह प्रोग्राम खाना पीना सब कुछ होते होते बहुत लेट हो गया है और बाकी हम लोग अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सोएंगे तो एकदम गहरी नींद में चलेंगे इतनी ज़्यादा थक चुके हैं और बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा यहीं पे आज का व्लॉग को एंड कर देते सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस इफ यू गाइस लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप डू कमेंट एंड शेयर दिस इज सुप्रीति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे सी यू सून ऑन नेक्स्ट व्लॉग तब तक के लिए बाय बाय और ये दूसरे दिन का क्लिप है रिनाटी के घर में जाकर हम गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे थे तो मैंने सोचा शेयर कर दूं ठीक है चलो बाय गाइस